हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। ये पूरी कंप्लीट सीरीज़ होने वाली है चारधाम यात्रा की। सो मैंने ये यात्रा दिल्ली से स्टार्ट की थी यमुनोत्री के लिए, और यमुनोत्री का डिस्टेंस है दिल्ली से अराउंड 430 किलोमीटर्स। बेस्ट रूट की बात की जाए तो जो मैंने लिया था वो था दिल्ली मेरठ देहरादून मसूरी यमुनोत्री। रोड की बात की जाए तो रोड काफ़ी अच्छी है, आप जैसे देख सकते हैं वीडियो में काफ़ी सही रोड है। और मैंने जो अपनी राइड स्टार्ट करी थी मॉर्निंग 6:30 को स्टार्ट करी थी, और मुझे ऑलमोस्ट देहरादून क्रॉस करने में 6 आवर्स लग गए थे। डिस्टेंस की बात की जाए तो दिल्ली से डिस्टेंस है आपका देहरादून का 275 किलोमीटर्स। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप गूगल फॉलो कर रहे हो तो गूगल कहीं पे भी लेके जा सकते हैं एज यूजल जो वो करता है। तो करना क्या है कि इस टाइम पे हाईवे को ही फॉलो करना है देहरादून तक। जब देहरादून आप एंटर कर जाते हो तो उसके बाद आप लोग गूगल का यूज़ कर सकते हो मसूरी के लिए। देखा जाए तो देहरादून से मसूरी का जो डिस्टेंस है वो अराउंड 34 किलोमीटर्स है, और हम लोगों का अप्रॉक्स 1 घंटा लग गया था सिटी क्रॉस करने में। देहरादून आई गेस 20 किलोमीटर्स हार्डली गए होंगे, उसके लिए हमको 1 घंटा लगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे राइट हैंड साइड पे जो रेड लगा दिख रहा है वो वहाँ का घंटा घर है। और इफ़ इन केस आप कुछ भी आप अपना भूल चुके हो, मतलब जो आपको राइड में ज़रूरत है यू कैन बाय इन देहरादून, ईजिली अवेलेबल हो जाएगा आपको, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड जैसे ही आप लोग देहरादून सिटी क्रॉस करोगे उसके बाद ही राइड, एडवेंचर, फील, माउंटेन उसके बाद ही है। ये हमारी इस राइड का सेकंड ब्रेक था, और ये ब्रेक तो नहीं कह सकते क्योंकि हम यहाँ पे 3 घंटे रुके थे। रीज़न ये था कि हमारे साथ में एक और राइडर था जिसको कुछ शॉपिंग करनी थी देहरादून से, उसको 3 घंटे लगे। इस वजह से जो हमारा दिल्ली टू यमुनोत्री वाला प्लान था उसमें कुछ चेंजेस आए। वीडियो आगे तक देखते रहें, उसमें आपको चेंजेस भी बता लग जाएंगे क्या हुआ कैसे हुआ। मसूरी रोड से मसूरी तक रोड काफ़ी अच्छी है, कुछ थोड़ी जगह मतलब थोड़ी जगह ये कह सकते हो थोड़ी कुछ पैचेस होंगे जो ख़राब होंगे, मतलब इग्नोर कर सकते हो, ना के बराबर हैं। और आप लोग आगे म्यूज़िक एंजॉय करो और व्यू देखो, इट्स अमेजिंग। जैसे आप देख सकते हैं कि हम लोग अभी मसूरी पहुंच चुके हैं,
और मसूरी जब आप एंटर करोगे और एग्ज़िट करोगे यूजुअली वहाँ ट्रैफिक रहता है क्योंकि रोड बहुत नैरो है, जैसे आप देखिए देख सकते हो। और आपको लगता है कि आपके पास एक्स्ट्रा डेज हैं, आप लोग चार धाम यात्रा के अंदर एक मसूरी भी एक एड ऑन कर सकते हो। और अब मेरे राइट हैंड साइड पे देखना, इट्स वेरी ब्यूटीफुल और इट्स वेरी सीनरिक। और आप यहाँ पे मसूरी की बात करी जाए तो मसूरी में आप कैंपटी फॉल जा सकते हो और कंपनी गार्डन जा सकते हो, एक दो दिन आप वहाँ स्टे कर सकते हो। इट्स कम्प्लीटली वर्थ इट, कि ऐसा नहीं है कि आप वहाँ रुको आपको कुछ मज़ा ना आए। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। दिल्ली से मसूरी तक रोड काफ़ी अच्छी है, बट मसूरी के बाद रोड कंडीशन ख़राब होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे आप यमुनोत्री के पास होंगे वैसे ही रोड्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी, और नाइट में तो पॉसिबल ही नहीं है वहाँ ड्राइव करना, इट्स वेरी रिस्की। और मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि रात में आप फोर व्हीलर से हो तो एक बार आप चांस ले सकते हो, और अब इफ इनकेस आप बाइक से हो तो बेटर ये रहेगा कि जैसे ही अंधेरा होता है एज सुन एज पॉसिबल आप लोग नियर बाय कोई भी होटल में रुक सकते हो। और जो मसूरी से कैंपटी फॉल का डिस्टेंस है वो अप्रॉक्स 14 किलोमीटर्स है, रास्ता ठीक है। जब हम लोग गए थे इट्स कम्प्लीटली शट डाउन बिकॉज ऑफ कोविड गाइडलाइंस। आप लोग देख सकते हो पूरा ये राइट हैंड साइड पे पूरा मार्केट बंद है, जहाँ पे एक टाइम के लिए आपको पार्किंग तक नहीं मिलती थी। यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और लाइक कर दो एंड वीडियो को शेयर कर दो। अब क्या प्रॉब्लम थी, अब यहाँ से रोड कंडीशन ख़राब होनी स्टार्ट हो चुकी थी और रात भी होने लग गई थी। हमने डिसाइड किया कि जैसी रात होती है तो भाई रात होने के बाद एटलीस्ट हाफ एन आवर और 1 आवर जब तक रोड ठीक है वहाँ तक हम लोग ड्राइव करेंगे। मेरा सजेशन तो यही होगा कि जो भी आपको होटल दिखे लॉज दिखे वहाँ पे स्टे कर लेना, ऐसा मत सोचना कि आपको लग्जरियस मिलेगा।
जैसे कि अब देख पा रहे होंगे कि रोड ख़राब होनी स्टार्ट हो चुकी है। और अभी के टाइम पे जो चार धाम का पूरा रूट है उस पे काम चल रहा है, आपको ऐसा नहीं होगा कि रोड सही मिलेगी। और बारिश के टाइम पे लैंडस्लाइड पक्का मिलेगा। और कुछ ही देर बाद रात भी हो गई थी, तो हमने डिसाइड किया कि चलो 1 घंटा ड्राइव करते हैं। 1 घंटा करते करते हम लोगों ने 2 घंटे ड्राइव किया, तो हम लोग फाइनली एक जगह थी बरकोट, हमने फाइनली डिसाइड किया कि हम वहाँ रुकेंगे। उससे पहले टायर स्लिप होना स्टार्ट हो चुका था क्योंकि पूरे रोड पे काम चल रहा था, कुछ रोड समझ में नहीं आई थी, रोड थी ही नहीं बेसिकली। रोड आपको थोड़ी सी रोड मिल रही थी और उसके बाद रोड ख़राब हो जा रही थी सडनली, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था राइड करना। सो वी डिसाइडेड कि भाई अब तो रुकना पड़ेगा, इसके आगे नहीं जा रहे हैं। तो इट वॉज़ गुड डिसीज़न कि हम लोग वहाँ रुके, अदरवाइज उसके आगे तो पॉसिबल ही नहीं था, कि बरकोट से आगे रात को पॉसिबल ही नहीं है राइड करना, इट्स इम्पॉसिबल। रात को करोगे इट्स अप टू यू। मेरा तो सजेशन यही रहेगा, आपको मैक्सिमम जाना है बरकोट के आगे, बिल्कुल भी ट्राई ना करें, उसके आगे का रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। रात को काफ़ी मुश्किल था ड्राइव करना, और आप ड्रोन शॉट में देख सकते हैं। और जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा बरकोट से यमुनोत्री टेम्पल का उस, और आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं।